हाय एवरीवन, मैं हूँ लक्ष्मी और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैं प्लेन कुर्ती को डिफरेंट वे में कैसे स्टाइल किया है मैंने दुपट्टा एंड प्लाजो के हेल्प से। प्लस इस वीडियो में मैं आप सबको बताने वाली हूँ कि आप ज्वेलरी कैसे पहने जिससे ड्रेस का लुक एकदम डिसेंट लगेगा, आप एकदम डिसेंट लगोगे। प्लस आप इसे ऑफिस में भी कैरी कर सकते हैं, ये ड्रेसेस टाइप का लुक वो भी काफ़ी डिसेंट लगता है। ज़्यादा झगमगा या फिर ज़्यादा बोल्ड लुक मुझे नहीं पसंद है, मैं एकदम डिसेंट एंड सिंपल लुक मुझे अच्छा लगता है। तो उसी वे में मैंने आप सबको बताया है, मेरा जो पसंद है वो मैंने आप सबको बताया है कि आप इस वे में इस कुर्ते को स्टाइल कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा लुक देता है, एकदम डिसेंट एंड सिंपल एंड अट्रैक्टिव टू। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, और जो लुक आपको पसंद आता है उस लुक के बारे में आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक आपने, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप सबके साथ प्लेन कुर्ती और प्लेन प्लाजो का लुक शेयर कर रही हूँ। ये जो आप देख सकते हैं जो मैंने पहना है, सेम अटायर यहाँ पे साइड में वीडियो में भी है। इस लुक को मैंने सर को प्लेन प्लाजो एंड प्लेन कुर्ती से दिया है। प्लाजो जो है वो काफ़ी ब्रॉड है, नीचे में जो प्लाजो का है वो घेर काफ़ी ज़्यादा है। ये कुर्ती अपने में ही एक एलिगेंट और डिसेंट कुर्ती है और इसका लुक काफ़ी अमेजिंग आता है। इस कुर्ती को मैंने स्टाइल किया था ऑक्सीडाइज नेक पीस एंड ऑक्सीडाइज ईयरिंग के साथ, और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा चोटी बना लिया था। मेकअप में मैंने ज़्यादा कुछ भी नहीं किया है, मैंने मेकअप में सिर्फ सबसे पहले ये लैकमे का फाउंडेशन जो है सीसी क्रीम है ये मैंने अप्लाई किया है। ये क्रीम अप्लाई करने से पहले मैंने बायोटिक का मॉइस्चराइजर है ये मैंने अप्लाई किया था, बस यही दो चीज़ मैंने अप्लाई की है। उसके साथ मैंने यहाँ पे एक काजल लगाया है, काजल के साथ सेम इसी काजल को मैंने एज अ लाइनर भी यूज़ किया है एंड इसे मैंने काजल भी लगाया है, तो बस इतना ही लगाया है। प्लस हर अटायर के साथ मैंने लिपस्टिक चेंज की है डिपेंडिंग अपॉन द अटायर व्हाट यू आर वेयरिंग, उसके हिसाब से और आपके फेस के लुक के हिसाब से आप लिपस्टिक चूज़ कर सकते हैं। तो मैंने इस अटायर पे पिंक लगाया है, पिंक काफ़ी सूट होता है मेरे ऊपर, तो फिर मैंने इस अटायर पे पिंक लिपस्टिक लगाया है। आज का लुक मतलब ये था ब्लैक कुर्ती का, प्लेन कुर्ती का लुक जो आप इसे ऐसे अटायर कर सकते हैं, ऐसे ही पहन सकते हैं। साथ में मैंने एक वॉच के साथ इसे पहना था, तो ये प्लेन लुक है। अब हम चलते हैं सेकेंड लुक की ओर। सेकेंड लुक को मैंने फुलकारी दुपट्टे के साथ मैच फुलकारी दुपट्टे के साथ कंबाइन करके पहना था। सेम था मतलब कुर्ती सेम है, प्लाजो सेम है, लेकिन जो दुपट्टा है मैंने एक्स्ट्रा लिया है, वो दुपट्टा फुलकारी दुपट्टा है विथ येलो कलर का, और येलो कलर का दुपट्टा है। उसके बाजू में मल्टीपल कलर्स के फूल बने हुए हैं, उस पर आप देख सकते हैं साइड में वीडियो पे, तो वो काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी एलिगेंट, मतलब एक फेस्टिव लुक आ रहा है उसमें। अगर ऐसा अटायर आप पहनते हैं तो आप काफ़ी उठ के आते हैं इस अटायर में, तो काफ़ी सुंदर लगता है ये लुक। उसके साथ मैंने ईयर रिंग्स पहनी हैं, जो ये ऑक्सीडाइज्ड हैं ऐसे ईयर रिंग्स पहनी हैं मैंने। उसके साथ मैंने कुछ इस टाइप के ईयर रिंग्स पहना है, ये ईयर रिंग्स भी काफ़ी सुंदर है। आपने मेरे ईयर रिंग्स कलेक्शन में ये ईयर रिंग्स देखा होगा। अगर आपने मेरे ईयर रिंग्स कलेक्शन की वीडियो नहीं देखी है अभी तक, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप ज़रूर देखिएगा। उसमें मैंने ढेर सारे ईयर रिंग्स बताए हैं जो मेरे पास अवेलेबल हैं। ये आप देख सकते हैं मैंने इस ईयर रिंग्स के साथ उस वीडियो में पहना है, लुक दिया है इस ईयर रिंग के साथ। प्लस मैंने वहाँ पर रेड लिपस्टिक लगाई है, रेड लिपस्टिक भी काफ़ी सूट होती है मेरे ऊपर, तो मैंने वो लिपस्टिक लगाया था। सेम अगेन मेकअप कुछ भी नहीं किया था, मेकअप में सिर्फ ये बायोटिक का मैंने मॉइस्चराइजर लगाया था, उसके बाद ये सीसी क्रीम देन काजल एंड आई, दैट्स इट। अब हम तो ये लुक जो है काफ़ी सुंदर लगता है, देखने में भी अच्छा लगता है, और कलर कॉम्बिनेशन जो है वो ब्लैक है एंड येलो है, येलो के अंदर बहुत सारे मल्टीपल कलर्स हैं, तो ये एकदम उठ के आता है ये, मतलब वन जैसे बोलते हैं ना एक लुक में पसंद आना टाइप, उस टाइप का ये अटायर लगता है, बहुत ही अट्रैक्टिव है, तो आप इस अटायर को ज़रूर ट्राई करना। तो चलते हैं नेक्स्ट लुक की ओर। नेक्स्ट लुक मैंने पहना था, प्लेन कुर्ती है, ब्लैक कुर्ती सेम है, नीचे मैंने जो प्लाजो पहना था वो ब्राइट रेड कलर का प्लाजो है। ब्राइट रेड कलर के प्लाजो के साथ ये जो कुर्ती है ब्लैक कुर्ती बहुत सही लग रही है। आप इसके ऊपर अगर दुपट्टा नहीं लेंगे तो भी ये ओवरऑल लुक काफ़ी अच्छा लगता है। इसे भी मैंने ऑक्सीडाइज ज्वेलरी के साथ डिज़ाइन पहना था, ये वाली कुछ ज्वेलरी है
ऑक्सीडाइज इयररिंग के साथ मैंने पहना है। ये लुक भी काफ़ी अच्छा है, आप अपने मनपसंद का इयररिंग इस पर पहन सकते हैं। इसके साथ मैंने मोजरी भी पहनी है, आप मोजरी हील्स जो आपके पास अवेलेबल है पहन सकते हैं, लेकिन ये जो कॉम्बिनेशन है रेड एंड ब्लैक का, ये काफ़ी सुंदर है और काफ़ी अच्छा लुक देता है, तो आप इस लुक को भी ज़रूर ट्राई करना। बढ़ते हैं नेक्स्ट लुक की ओर। ये लुक मैंने दिया है वाइट प्लाजो के साथ, वाइट प्लाजो विथ ब्लू कलर का जो डिज़ाइन किया गया है उसके साथ मैंने ये लुक दिया है। ये लुक भी काफ़ी अच्छा है, डिसेंट है, ऑफिस वेयर है। इस लुक में मैंने अपने बाल जो है वो ऊपर बांध लिए हैं, साइड के बाल ऐसे मैंने निकाल लिए हैं। ये लुक भी एकदम डिसेंट है, ऑफिस गोइंग है, आप कैजुअली एकदम अच्छे से ये लुक पहन सकते हैं, घर पे हैं तो, या आप कहीं बाहर जा रहे हैं या फिर आप ऑफिस जा रहे हैं। तो दूसरा लुक है प्लेन, मैंने यहाँ पे कुर्ता पहना है, प्लाजो पहना है, उसके ऊपर बस मैंने जैकेट पहनी है, जो जैकेट में बहुत सारे कलर्स हैं, जैसे कि रेड कलर है, मल्टी कलर्स हैं, येलो है, ग्रीन है, पिंक है, रेड है, वॉयलेट है, भी सारे कलर्स मिसमैच्ड हैं, काफ़ी सुंदर लगता है। उसका जो एम्ब्रॉयडरी किया हुआ डिज़ाइन है वो भी काफ़ी अच्छा है, पर ये लुक जो है वो काफ़ी परफेक्ट लगता है, कंप्लीट लुक लगता है उस जैकेट के साथ। एंड ये लुक, जैसे कि मैंने बोला, ये लुक भी आई कैची लुक है, आप एकदम सोबर सिंपल डिसेंटली तैयार हो सकते हैं, आप हील्स पहन सकते हैं, इसमें भी आप काफ़ी सुंदर लगेंगे, तो ये लुक भी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपके पास ये जैकेट नहीं है या कोई और टाइप की जैकेट है, प्लेन जैकेट है या फिर आपके पास जीन्स की जैकेट है, तभी भी आप उसको डेनिम की जैकेट है उसे पेयर कर सकते हैं, या नेटेड जैकेट है, यू कैन पेयर विद दिस, इट विल लुक वेरी नाइस एंड इवन आई कैची। तो बढ़ते हैं सेकेंड लुक की ओर। सेकेंड लुक जो है वो उसमें मैंने जो पैंट पहना है वो पैंट ब्लू कलर का है, प्लेन ब्लू है, मतलब नॉर्मल ब्लू है, लाइट ब्लू कलर का है। लाइट ब्लू कलर के साथ उस पर जो नीचे का डिज़ाइन बना हुआ है पैंट का, वो वाइट कलर का है, वाइट कलर के धागे से भी लेस लगाया गया है ऊपर। और जो मैंने दुपट्टा लिया है वो भी वाइट एंड ब्लू का कॉम्बिनेशन है। अगेन दिस लुक इज़ ऑल्सो वेरी अमेजिंग, आई पर्सनली लाइक दिस लुक। क्या एक्स्ट्रा पार्ट ऐड किया है वो है दुपट्टा एंड नीचे का पैंट। तो नीचे का पैंट एंड दुपट्टा इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ वन ड्रेस, जिसको मैंने निकाल लिया, उस ड्रेस को निकाल के सिर्फ मैंने दुपट्टा एंड उसके पैंट यूज़ किए हैं। तो ये लुक भी काफ़ी अच्छा लगता है, डिसेंट लगता है। इस लुक के साथ मैंने मेरे बाल टाई कर लिए थे और ऑक्सीडाइज ज्वेलरी पहना था, तो ये लुक भी काफ़ी कंप्लीट लुक देता है, प्लस दिखने में काफ़ी अट्रैक्टिव है ये लुक, एंड सिंपल डिसेंट एंड आई कैची लुक है। तो आप इस लुक को भी ज़रूर ट्राई करना, आप कहीं पे भी जा रहे हैं ऑफिस या कहीं पे भी, तो आप ये लुक वेयर कर सकते हैं, काफ़ी सुंदर। भी आप तैयार हो रहे हैं तो आप ज़्यादा हैवी मेकअप या हैवी ये ना करें, एकदम सिंपल डिसेंट लगे, उससे क्या होता है लुक एकदम अच्छा आता है और आपकी नेचुरल ब्यूटी भी बाहर आती है। ये था लुक आज का, आप इस लुक को भी ज़रूर ट्राई करना। सो गाइज, ये था 6 टाइप का पेयरिंग जो मैंने पेयर किया था, एक प्लेन कुर्ता, ब्लैक कलर का कुर्ता और ब्लैक कलर के प्लाजो के साथ। ये 6 डिफरेंट स्टाइल्स थे जो मैंने आप सबके साथ शेयर किया, और कुछ स्टाइल ऐसे भी थे जो मैं ऑफिस पहन के जाती थी या फिर ऑफिस पहनती थी मैं यूजुअली, तो उस वे में भी मैंने आपको बताया है कि अगर आप ऑफिस जाते हैं या फिर जा रहे हैं तो आप ऐसे पेयर करके पहन सकते हैं। ये ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस था रेडी होने का, या फिर मैं कैसे रेडी होती हूँ मैंने आप सबके साथ शेयर किया है। अगर आपको ये लुक्स पसंद आती है या वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। अगर आपको कौन सा लुक पसंद आता है वो मुझे बताना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में नीचे आप मेंशन कीजिए कि कौन सा लुक आपको पसंद आया। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बिना भूले बेल नोटिफिकेशन आइकॉन आप प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आपसे मेरा वीडियो कभी मिस ना हो। सो नाउ आई एम साइनिंग आउट फ्रॉम दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।